नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं बिग न्यूज। बांका की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरपुर शहर वासियों को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से कोई डर नहीं रह गया है। आम लोगों की कार्यकलापों से लगता है कोरोना संक्रमण का खतरा पूरी तरह से टल गया हो। आम लोग पूरी तरह बेफिक्र होकर बिना मास्क पहने बाजार में खरीदारी करने तथा अस्पताल में मरीजों को दिखाने पहुंच रहे हैं। इन्हें रोकने या टोकने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से हाट लग रही है, जहां हजारों की संख्या में ग्रामीण खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान एक भी ग्रामीण मास्क नहीं पहनते हैं, यहां तक कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। बाजार, अस्पताल या अन्य जगहों पर दुकानदार या कर्मी खुद मास्क नहीं पहन रहे हैं। इन्हें रोकने या टोकने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो अमरपुर प्रखंड का लॉ एंड ऑर्डर ग्रामीणों के हाथ में आ गई है। जिला प्रशासन के द्वारा कोचिंग संस्थान एवं अन्य धार्मिक संस्थानों को खोलने में पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन शहर के विभिन्न जगहों पर धड़ल्ले से कोचिंग संस्थान खुल रही है। आलम तो यहाँ तक देखी जा रही है कि निर्देशों का पालन करने वाला कुछ अधिकारी खुद बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। विदित हो कि बांका जिला के उच्च अधिकारियों के द्वारा प्रतिदिन मास्क चेकिंग अभियान चलाते हुए आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन अमरपुर के अधिकारी क्यों नहीं जागरूक होकर आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं? क्या इन अधिकारियों को स्पेशल निर्देश मिला हुआ है कि मास्क चेकिंग नहीं करना है, आम लोगों को जागरूक नहीं करना है? अगर स्थिति ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का भयावह स्थिति होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अमरपुर व्यापार मंडल परिसर स्थित राइस मिल में नवी बार आग लग गई। बार बार आग लगने के बावजूद भी अधिकारी कोई ठोस पहल नहीं उठा रहे हैं। विदित हो कि सन 2014 ईस्वी में व्यापार मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया था, जिसको लेकर न्यायालय के द्वारा राइस मिल को सील कर दिया गया है। लेकिन राइस मिल का चार दीवारी काफी जगहों से टूट चुकी है, जिसका फायदा सामाजिक तत्वों के लोग उठाकर अगलगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि मिल के अंदर लाखों रुपये का धान रखा हुआ है, जो अगलगी की घटना में बर्बाद हो रही है। कहीं साक्ष्य मिटाने के लिए मिल में आग तो नहीं लगाई जा रही है? नवी बार आग लगने के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं आग बुझाने आए अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने बताया कि अंदर से आग लगी हुई है। आग पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए धान की बोरियों को हटाना पड़ेगा, जिसके लिए विभाग से मजदूर की मांग किया गया है, लेकिन अभी तक विभाग के द्वारा मजदूर उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण पूर्ण रूप से आग पर काबू नहीं पाया गया है। मामले को लेकर व्यापार मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष सुभाष कनोडिया ने बताया कि व्यापार मंडल का चुनाव होने से 3.5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक व्यापार मंडल का प्रभार मुझे नहीं दिया गया है। अगर जिला प्रशासन मिल में रखे धान को मिल से निकाल ले तो लाखों रुपये की राजस्व की प्राप्ति हो जाएगी। चोरी के आरोप में कहलगांव पुलिस द्वारा गिरफ्तार युवक की बेरहमी से पिटाई के मौत मामले को लेकर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजन मृत युवक विनोद दास के शव को रजौन थाना परिसर में रखते हुए थाना के सामने भागलपुर हजरिया मुख्य मार्ग को जाम कर दोषी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ ही मुआवजे की मांग कर रहे हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बीते 7 जुलाई को कहलगांव में हुई चोरी के मामले में रजौन और कहलगांव पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रजौन थाना के चकसफिया से मनोज दास के पुत्र 26 वर्षीय विनोद दास को गिरफ्तार कर दोनों पुलिस द्वारा पिटाई करने के बाद कहलगांव पुलिस अपने साथ ले गई। मृतक के पिता मनोज दास और बहन का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद 5 दिन तक कहलगांव थाना में अवैध ढंग से रखते हुए बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका निशान अभी भी शरीर पर है। 5 दिनों बाद भी पुलिस जब यातना देने के बाद भी कुछ नहीं उगलवा पाई तब उसको रिहा किया गया, लेकिन तब तक उसकी स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। घर आने के बाद हालत खराब रहने के चलते अमरपुर में प्राइवेट क्लिनिक और रेफरल अस्पताल में भी इलाज करवाया गया। बावजूद हालत में कोई सुधार नहीं होने पर उसको भागलपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि इलाज के दौरान शरीर में गंभीर चोट की जानकारी होने की बात कहते हुए उसी के चलते मौत होना बता रहे हैं। मौत के बाद मानो परिजनों पर पहाड़ टूट पड़ा हो। थाना में ही शव से लिपट कर पूरा परिवार दहाड़ मारते दिख रहा है। रजौन में हंगामा बढ़ने के बाद मुख्यालय से सदर SDM मनोज चौधरी और SDPO DC श्रीवास्तव भी रजौन पहुंचे।
लोगों को समझाने का प्रयास करते हुए परिजनों के जख्म को सहलाने का प्रयास में लगे हुए हैं। परिजनों और आक्रोशित लोगों के साथ बैठक करते हुए मामले की जानकारी लेते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच करने का आश्वासन दे रहे हैं। बावजूद परिजन दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई के साथ ही मुआवजे की मांग पर खड़े हुए हैं। इस बाबत SP अरविंद कुमार गुप्ता ने किसी मामले में रजौन पुलिस के सहयोग से कहलगांव पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कहलगांव ले जाने की बात कहते हुए वहां क्या हुआ उससे अनिभिज्ञता जता रहे हैं। बावजूद परिजनों के आरोप के आधार पर मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम करते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। ये बताइए कि आपके जो पति को जो पकड़ के ले गया तो आखिर क्या मामला था? कुछ तो मामला होगा, क्यों पकड़ के ले गया था? क्या आरोप था आपका? तो किसके यहाँ चोरी हुआ था? कहलगांव में या कहीं बाहर? इतना पता नहीं है आपको? तो वही चोरी के मामले में पुलिस आई थी कहलगांव की यहाँ। हमारे तुम कौन हो सर? हम इसके रिश्तेदार हैं। कैसा रिश्तेदार? भाई मेरा भाई है प्रियस। प्रियस बात जब तू पढ़ा और सुनो, हम समस्या हमारी बयान करने पे हमारे बेटा प्रियस समझ गए बात। प्रियस ए प्रियस पढ़े लिखे हो तो क्षेत्राधिकार वाली बात समझो। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तो FIR लिखा देने से केसो हमारे जिला करात नहीं जिला करा तो मुझे धरिए लेते। बांका जिले के बाराहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत बलारपुर गांव में गुरुवार की देर रात आपसी विवाद को लेकर धारदार हथियार से 30 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी गांव के ही 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पत्नी शोभा देवी के द्वारा थाना को लिखित आवेदन देते हुए लिखा है कि गुरुवार की रात्रि मेरे पति खाना खाकर गांव के बाहर मुर्गी फार्म में सोने गए हुए थे। इसी बीच गांव के ही पंकज चौधरी, दिलीप चौधरी, सोनी चौधरी के द्वारा मारपीट कर धारदार हथियार से हत्या कर शव को गांव के बाहर एक नहर में फेंक दिया था। सुबह होते ग्रामीण जब शौच करने डाड़ के तरफ गए तो शव को देखते ही ग्रामीण हल्ला करने लगे। हत्या की खबर परिजनों को मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर देखा तो शव पड़ा हुआ था। ग्रामीणों के द्वारा घटना की जानकारी बाराहाट पुलिस को दिया गया। मौके पर बाराहाट थाना अध्यक्ष शंकर दयाल प्रभाकर अपने दल बल के साथ पहुंचकर घटना का जानकारी लेते हुए शव को अपने कब्जे में लेते हुए बाराहाट थाना लाया गया, जहां सरकारी कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया। वहीं मृतक शंकर चौधरी एवं पत्नी के द्वारा थाना में लिखित आवेदन देते हुए लिखा है कि 2 माह पूर्व पंकज चौधरी, दिलीप चौधरी, सोनी चौधरी से मारपीट किया गया था, जिसके द्वारा जान मारने की भी धमकी दी गई थी। 2 दिन पूर्व भी इन लोगों के द्वारा घर में घुसकर गाली गलौज करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में थानाध्यक्ष शंकर दयाल प्रभाकर के द्वारा बताया गया कि मृतक की पत्नी के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिलहाल गिरफ्तारी को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। रात में मुर्गा फार्म में सुतल ले एगो बच्चा के लेकर बच्चा कल के आवे छे लेटरिंग करी के बच्चा सुतले रेगुलर हो निकली चलो खाना उना सब धरलो रेगुलर ओकरो बच्चा नहीं जाने पर सुतले रेगुलर तब हमरा सनी बिहानी जान लियो कल का आदमी तब मतलब इससे किसी का दुश्मनी वगैरह था? दुश्मनी 2 महीना पहले झगड़ा होलो छो तो लेकर आदमी चले भाइये वो लगती किनसे हुआ था? पंकज चौधरी से। अच्छा। दिलीप चौधरी से। किस बात को लेकर हुआ था? ओकरा जीजाजी एक ठो रहले यहाँ ना वो पियक्कड़ आदमी छे पिए छे दारू उरू हमारे संकरण वहाँ ताड़ी लगाए छे पाछू में बगान छे ओकरा में लगाए छे तुआ गेले पिए ले ताड़ी ओकरो बाद केना झगड़ा करी के हसिया से हमला हुआ था। हाँ इस पे केस भी हुआ था। हाँ केस भी है सर। तो तुम लोगों को शक है किसी पे कि कौन हत्या किया है? हमारा शक तो करीब लगे जी। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।